सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस प्रोसेस के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे ऑन पैसिव के बारे में। ऑन पैसिव को इस दुनिया में आने से, इस पृथ्वी पर आने से, इस प्लेनेट पर आने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। स्टॉप इफ यू कैन, रोक सको तो रोक लो। एक कहावत है, स्टॉप इफ यू कैन, रोक सको तो रोक लो। इस दुनिया के अंदर ऑन पैसिव को आने से कोई भी नहीं रोक सकता, बिकॉज यहां पर जिस लेवल की तैयारी की जा रही है उस लेवल की तैयारी आज तक किसी भी कंपनी ने नहीं की थी। आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनियों के बारे में कि गूगल की स्टार्टिंग किस तरीके से हुई थी, फेसबुक की स्टार्टिंग किस तरीके से हुई थी, और हमारा जो भी जितने भी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप की जो स्टार्टिंग हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, यूट्यूब की स्टार्टिंग किस तरीके से हुई थी, और आज उनको अपने इस लेवल पर पहुंचने में 20-30 साल लग गए। तो आज ऑन पैसिव की जो शुरुआत हुई है, आपको सबको बताया कि बुर्ज खलीफा से हुई है। तो आप सोचिए कि ये कहां पे जाकर रुकने वाला है, जिसकी शुरुआत किसी एक गैरेज, एक किसी रूम, छोटे से रूम से अगर हुई है और आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, तो आप सोचिए कि हमारी शुरुआत तो बुर्ज खलीफा से हुई है। हमारी शुरुआत तो 1.4 मिलियन फाउंडर्स के साथ हो रही है। ऑलरेडी हमारे पास कस्टमर है, ऑलरेडी हमारे पास फाउंडर्स है, हमारे पास पूरी की पूरी पब्लिक है इसमें आने के लिए। तो आप सोचिए कि ऑन पैसिव का जो दौर आने वाला है वो किस टाइप का होने वाला है। इंटरनेट पूरी तरीके से हिलने वाला है, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए, और इंटरनेट वर्ल्ड पूरी तरीके से बदलने वाला भी है। इंटरनेट वर्ल्ड पे ही हमारा पूरा का पूरा जो ऑन पैसिव है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। पूरा ऑन पैसिव जो है हमारा टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा है, इंटरनेट वर्ल्ड यहां पे हिलने वाला है और तैयारियां बहुत अच्छी हो चुकी हैं। तैयारियां बहुत अच्छी हो चुकी हैं और बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां इसकी चल रही हैं, क्योंकि तैयारी जीत हमेशा उसकी होती है जिसकी तैयारी हमेशा अच्छी होती है। ये डिपेंड करता है आपकी कामयाबी के ऊपर। और सोए हुए सभी फाउंडर्स से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे फाउंडर्स लोग हैं इस ऑन पैसिव के अंदर, जो लोग सो गए हैं, जिन्होंने आज तक अपनी आईडी को ओपन करके नहीं देखा है, अब वक्त आ गया है आपको अपने आप को एक्टिव करने का। आपको वक्त आ गया है अपने आपकी जो आईडी है वो फाउंडर की, उस आईडी को ओपन करने का। अगर आप ओपन नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर आपको यहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, बात उसकी नहीं है कि अपने जो सीनियर लीडर है ना, आप उनसे भी थोड़ा कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट बना के रख सकते हैं, और सवाल वही कर रहे हैं आज इस ऑन पैसिव के बारे में जिन्होंने आज तक जो अपनी आईडी ओपन करके ही नहीं देखी। क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको पता है कि किस टाइप के सवाल हो रहे हैं, लॉन्चिंग को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, ये सारे के सारे सवाल जो है आज हो रहे हैं। लेकिन ऐसे सवाल कर कौन रहा है पता है आपको? ऐसे सवाल वही कर रहे हैं जिन्होंने आज तक अपनी आईडी को एक्टिव करके नहीं देखा, जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, जो ऑन पैसिव में क्या चल रहा है, ऑन पैसिव में क्या होने वाला है, उनको कोई भी एबीसीडी की जानकारी नहीं है, वो आजकल ऐसे सवाल कर रहे हैं। आप एक फाउंडर हो, इस बात को थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप समझो। केवल 9,000 रुपए आपने खर्च किए हैं, इस बात का आपको कोई भी घमंड नहीं होना चाहिए कि आपने 9,000 रुपए खर्च किए हैं। देखो, 9,000 रुपए खर्च करने के लिए एक इंसान नहीं बल्कि लाखों करोड़ों इंसान इस गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप फाउंडरशिप में यहां पे आ गए हो तो ये आप सबसे खुश नसीब समझ सकते हो अपने आप को, अपने आप को एक बहुत बड़ा एक लकी पर्सन समझ सकते हो, क्योंकि 9,000 रुपए की वैल्यू कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसकी समझ में फाउंडरशिप आ गई, जिसकी समझ में ऑन पैसिव आ गई, उसने 9,000 रुपए की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। उसने देखा कि इस 9,000 के बदले में मेरी आने वाले समय में मेरी लाइफ स्टाइल, मेरी फैमिली और मेरी जो लाइफ है वो किस तरीके से चेंज होने वाली है। 9,000 रुपए क्या आपको पता है कि किसी भी एक ठेले वाले के पास भी मिल जाएंगे? अगर किसी आप ठेले वाले के पास जाएंगे, भाई साहब आप 9,000 रुपए दो, आप फाउंडर बन जाओगे। लेकिन क्या उसके दिमाग में ये ऑन पैसिव वाले जो ऑन पैसिव का जो कीड़ा है वो उसके माइंड में जाएगा क्या? बिल्कुल भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो मेंटल लेवल है वो हमेशा वहीं तक ही सीमित रहेगा कि हमें रोज कमाना है और रोज खाना है। वो ऐसे लोग कभी भी भविष्य के बारे में कभी भी सचेत नहीं रहते हैं। तो बात 9,000 रुपए की नहीं है, आप फाउंडरशिप की पोजीशन पर हो, इस बात को लेकर के आपको हमेशा गर्व होना चाहिए। उसके बाद है, आपको वर्ल्ड का बिजनेस मिलने वाला है, ये सबसे अच्छी बात है। पूरी दुनिया के अंदर आप राज करने वाले हो, पूरी दुनिया के अंदर आप एक बिजनेस करने वाले हो। तो इसलिए आपको अब जाग जाना चाहिए। जितने भी हमारे फाउंडर हैं जो अभी तक सो रहे हैं, जागो अपनी और आईडी को ओपन करके देखना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपने आईडी ओपन करके नहीं देखी तो आपकी आईडी के साथ कुछ भी हो सकता है। सवाल मत करो ऑन पैसिव को, समझो केवल। बहुत सारे लोग सवाल ज्यादा करते हैं और ऑन पैसिव को समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सभी एक्टिव फाउंडर सभी कमजोर फाउंडर की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहें।
सभी एक्टिव फाउंडर कमजोर फाउंडर की मदद करने के लिए भी रेडी रहे। एक्टिव फाउंडर का मतलब जिनको सारी की सारी नॉलेज है, और जिस फाउंडर को नॉलेज नहीं है लेकिन अब वो थोड़ा सा नेक सचेत हो चुका है, तो आप उनको सारा का सारा कुछ समझाइए। जैसे भी वो कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास फोन करता है, किसी को ऑन पैसे की पावर का अंदाजा नहीं है लेकिन कि आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या होने वाला है, ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है और धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। हमें ये बिल्कुल भी अंदाजा है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि एस सर हमारे लिए किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एस सर इस ऑन पैसिव को कहां ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी हमें अंदाजा नहीं है। और ट्रस्ट करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है ऑन पैसिव के ऊपर भी ट्रस्ट करिए, आप एलसी मेंबर के ऊपर भी ट्रस्ट करिए, आप जो हमारे जो सीईओ मिस्टर एस मुफारे हैं उनके ऊपर भी आपको ट्रस्ट करना जरूरी है, हमारी जो टेक्निकल टीम है उसके ऊपर भी ट्रस्ट करना जरूरी है, हर एक चीज पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करना जरूरी है आपको खुद के ऊपर। अगर आपने अपने आप के ऊपर ही अगर आपने जो है ट्रस्ट नहीं किया है तो फिर आप जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेन चीज क्या है, एक ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। हम दुनिया के फाउंडर हैं, हमें गर्व होना चाहिए, आपको उम्मीद से ज्यादा यहां पे मिलने वाला है। हम पूरी दुनिया में वचनबद्ध हैं, सब कुछ करने वाले हैं, निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है और यह एक क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो भी निर्माण इस समय चल रहा है। ये एक महत्व का बिजनेस है, मैं आपको सीधे सीधे बात बता रहा हूं, यह एक महत्व का यानी कि इम्पोर्टेंस का बिजनेस है, एक वैल्यू का बिजनेस है, ना कि पैसे का बिजनेस है। यहां पे पैसे तो देने वाले बहुत सारे लोग थे, 9,000 रुपए, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए खर्च करने के लिए बहुत सारे लोग थे, आपके आसपास भी थे, आप किसी को भी फाउंडर बना सकते थे, लेकिन हर किसी के नसीब में फाउंडरशिप नहीं था। तो यहां पे क्या है कि आप खुद के ऊपर आप गर्व महसूस करके देख सकते हैं, पहले आप गर्व महसूस करोगे उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर गर्व करेगा। ये एक महसूस करने वाला बिजनेस है, क्योंकि आपको पता है कि ऑन पैसिव एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, आईटी कंपनी है, इसके अंदर सारा का सारा जो काम रहेगा वो एक सॉफ्टवेयर बेस में रहेगा, और सॉफ्टवेयर को ना तो हम कभी भी छू सकते हैं और ना ही कभी उसके अंदर घुस सकते हैं, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो ये जो बिजनेस है वो महसूस करने वाला है, और वी आर ऑलवेज टॉप ऑफ द टॉप। इस बात को आप अपने माइंड में बिठा लो कि हम दुनिया की टॉप से टॉप कंपनी के ऊपर होने वाले हैं। आप ऑन पैसिव को छू भी नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। पेंडिंग लोगों को, जो पेंडिंग लोगों के लिए एक मौका है, आप समझने की कोशिश करो, और अगर आप नहीं भी समझते हो तो इसमें कोई भी हमारा कोई घाटा नहीं है। अगर आप जो भी बहुत सारे बहुत आपके आसपास लोग होंगे वो आज फाउंडरशिप में आना तो चाहते होंगे और आपके पास पेंडिंग आईडीज भी पड़ी हुई है, तो आप उनको समझाने की भी बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हो, और अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो इसमें आपका कोई घाटा नहीं है। पेंडिंग लोगों के विषय में आपको ज्यादा सोचना विचार नहीं है। अगर मैं एक बात कहूं कि इन लोगों की समझ में कोई भी बात क्यों नहीं आती है, कि अगर आप किसी को फाउंडरशिप के बारे में बताते हो, ऑन पैसिव के बारे में बताते हो, क्योंकि ये इन सारी चीजों में बिलीव नहीं कर पाते हैं कि ये वास्तव में ऐसा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप एक मार्केट में हो, आप एक मार्केट में चल रहे हो और अचानक ही आप 2,000 रुपए का नोट निकालो अपनी जेब में से और राह चलते किसी व्यक्ति को दे दो, भाई लो ये 2,000 रुपए का नोट तुम रखो, ये तुम्हारा है, मतलब मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूं, तो वो पहली बार इस बात पर भी बिलीव नहीं करेगा कि ये नोट असली होगा, इस बात पर भी वो बिलीव बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको दे क्यों रहे हो, अगर असली होगा तो वो खुद ही नहीं दोगे, आप नकली है तभी तो दे रहे हो आप, तो इस बात पर भी वो बिलीव नहीं करेगा। उसके बाद बिलगेट्स की एक कहानी भी है, यहां पर एक छोटी सी कहानी है कि उनके पास एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट आते हैं और उनसे उनकी कामयाबी का राज, अमीर बनने का राज पूछते हैं, तो पूछते कि सर आपके अमीर बनने का राज क्या है, तो वो इसके आंसर में कोई भी आंसर नहीं देते हैं, लेकिन वो अपनी जेब में से एक चेकबुक निकालते हैं और वो चेकबुक जो है उस जर्नलिस्ट के सामने रख देते हैं और उससे कहते हैं कि इस चेकबुक में जो है आप जितना अमाउंट चाहो ना आप उतना भर लो। ये बात को सुनकर के जर्नलिस्ट जो है थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है और वो बिल्कुल भी उसमें एक भी अमाउंट नहीं भरता है, वो उसमें एक भी अमाउंट नहीं भरता है, जबकि बिल गेट्स ने बोल दिया था कि मैं आपको इसमें जितनी आप अमाउंट भर लोगे मैं आपको 100% दूंगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं भरता है। क्यों नहीं भरता है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी का आभास ही नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं यहां पर कि हम सब लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी का आभास नहीं हो पाता है कि ये किस टाइप की अपॉर्चुनिटी है। अब आप सोचिए कि अगर वो जर्नलिस्ट उसमें से अगर 200 करोड़ अगर वो भर देता तो उन बिल गेट्स भाई साहब को जो है, बिल गेट्स अंकल को जो है वो 200 करोड़ जो है उस जर्नलिस्ट को देने पड़ते हैं, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी का ज्ञान नहीं था कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी उसके सामने, वो 200 करोड़ यानी कि अपनी मर्जी के हिसाब से पैसे वहां से
ले सकता था। तो जब बिल गेट्स ने जब ऐसा कहा कि बस यही एक चीज थी मेरी कामयाबी का राज कि मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उसको तुरंत के तुरंत ग्रैब किया, तुरंत के तुरंत मैंने उसको गेन किया, बिल्कुल भी मैंने सोचा समझा भी नहीं। तो ऑन पैसे भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। जो पेंडिंग फाउंडर्स हैं अभी तक फाउंडर नहीं बने हैं तो उनसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जहां कहीं से भी आपको आपको आईडी मिलती है, फाउंडर आईडी मिलती है, आप तुरंत आप ले लीजिए। और ऑन पैसे आने वाले टाइम के अंदर एक ब्रांड बनने वाली है। जी हाँ, अभी तो हम सब लोगों के बीच में बन चुकी है लेकिन अब दुनिया के बीच में एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होने वाली है इसकी। जो फाउंडर नहीं होंगे बाद में उन लोगों को बहुत बड़ा अफसोस होने वाला है, बहुत बड़ा अफसोस होने वाला है। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोई भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से फिसल जाती है, निकल जाती है, तो एक शब्द बाद में बहुत सारे लोगों के जुबान पे आ जाता है। पता है वो कौन सा शब्द होता है? वो शब्द होता है काश। काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, काश मैं फाउंडर बन जाता, काश मैं आपकी बात को मान लेता, काश मैं आपने मुझे बहुत समझाया था, काश मैं आपके कहने में एक बार आ जाता, मैं अपने 9000 की तरह बिल्कुल भी नहीं रहता। तो काश शब्द जो है ना वो आपकी जिंदगी में हमेशा एक अफसोस का अनुभव कराता रहेगा। वैसे तो हम अनुभव कर रहे हैं आज ऑन पैसिव का, लेकिन जो लोग फाउंडर नहीं बनेंगे वो हमेशा एक काश शब्द को लेकर के बैठ जाएंगे और हमेशा अफसोस करते रहेंगे। तो ये काश शब्द है ना, ये आपकी जिंदगी में ना आने पाए, तो अभी मौका है। पेंडिंग आईडीज बहुत सारे लोगों के पास पड़ी हुई है, मेरे पास भी है। तो बहुत सारे लोग जो पेंडिंग आईडीज में अपनी फाउंडरशिप लेना चाहते हैं तो अपने आस पड़ोस के बहुत सारे फाउंडर्स हैं, उनसे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं कहने का मतलब क्या था कि ऑन पैसे इस दुनिया में आने के लिए, इस प्लेनेट पे आने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब किसी के माई के लाल में जो है ताकत नहीं है कि इस प्लेनेट पे जो है ऑन पैसिव को आने से रोक सके, कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि तैयारियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां हो चुकी हैं। बस लास्ट फेस में हम चल रहे हैं। अगर एक दो प्रोडक्ट भी आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए काफी है, बस एक दो प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट में आ गया तो वहां से ही आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चेंज होने वाली है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी जो पूरी की पूरी जो एक ऑन पैसिव की दास्ता थी, ऑन पैसिव के ऊपर जो रोक सको तो रोक लो, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप इसमें कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और कौन सी बात आपके माइंड में क्लिक कर रही है और ऑन पैसिव में आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है, मुझे आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। ओके, तो पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑन पैसिव से रियल इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर इन इट टू विन इट। अब इतनी देर देख लिया, थोड़ा और देख लो, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मैसेज है और वो ये है कि अगर इस वीडियो का अगला भाग भी आप चाहते हो कि मैं लाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया उसको भी कमेंट बॉक्स में अरे यार ऐसे धक्का देता है कोई। हाँ तो सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को भी दबा देना, और इस वीडियो पर 100 लाइक चाहिए मुझे, 100। जिसने भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो समझ लेना जग्गा नाम है हम, सपने में आते हैं हम। ठीक, चलो बंद कर, चल।